पश्चिम बंगाल के कोलकाता में 17 मार्च की देर रात एक 5 मंजिला निर्माणाधीन इमारत ढह गई थी। यहां पिछले 3 दिनों से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मंगलवार यानी कि 19 मार्च रात 8 बजे यहां एक व्यक्ति का रेस्क्यू किया गया था। पुलिस के मुताबिक उसे SSKM हॉस्पिटल ले जाया गया, हालांकि डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस तरह मौत का आंकड़ा 10 पहुंच गया है। मृतक मुर्शिदाबाद का रहने वाला राजमिस्त्री था, वो निर्माणाधीन बिल्डिंग में काम करता था। घटना के बाद 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं, 17 लोग घायल हैं। NDRF, SDRF, फायर ब्रिगेड, कोलकाता पुलिस की डिजास्टर मैनेजमेंट टीमें रेस्क्यू में लगी हुई हैं। पुलिस ने बताया कि घटनास्थल का इलाका भीड़भाड़ वाला है, यहां संकरी गलियां हैं जिसके कारण कंक्रीट स्लैब काटने के लिए बड़ी मशीनें नहीं आ पा रही।